बिहार यूपी के बॉर्डर पे है। अभी हम बिहार में इन कर गए हैं और मद्य निषेध विभाग जो है वो गाड़ी चेक कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, कमाल की बात ये है कि जब हम यूपी में चले जाते हैं तो शराब पीना अलाउ हो जाता है, आज बिहार में चले आते हैं तो मद्य निषेध विभाग जो है जबरदस्त तरीके से चेकिंग करता है, और जब चेकिंग करता है तब वो शराब बिहार में आखिर कैसे घुस जाता है, ये सवाल है। देखिए, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग बक्सर बीर कुंवरसी सेतु जांच चौकी, ये चौकी है, अभी बिहार में है, और इस साइड घूम जाएंगे तो ये यूपी हो जाएगा। यूपी में शराब पीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बिहार में शराब पीजिएगा तो पकड़े जाइएगा, तो जेल जाने का। मशीन भी रखा गया है यहाँ, ये सब मशीन जो है वो रखा गया है, ये मशीनों से भी जांच होता है। पुलिस अपना काम कर रहा है, ऐसा नहीं है नहीं कर रहा है, पुलिस की कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे 50 को पुलिस होना चाहिए, वहाँ पे जो है 5 को रहेगा। बिहार में जल्दी से जल्दी 1,00,000 नया वैकेंसी पुलिस डिपार्टमेंट में निकालिए, और ये जो मशीन जो है ना हर एक थाने में होना चाहिए, ताकि जो है आसानी से जो है इस मशीन से जो है वो शराब जांच हो सके। आखिर लोगों ने शराब पिया है कि नहीं पिया है, लोग शराब लेके घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, आसानी से जांच हो सके। आप दो ही लोग हैं सर, पानी पी आई मशीनवा से कैसे जांच करते हैं सर? दिखा दे रहे हैं अभी मशीन, मशीनवा से कैसे जांच करते हैं? जैसे सर गाड़ी में लगा के जो स्कैन करते हैं ना, तो इसमें पिक्चर दिखा, स्कैन करते हैं, थोड़ा स्कैन कीजिए तो एगो एगो ट्रक वाले को स्कैन करके, जैसे ये ट्रक वाले जा रहे हैं, पीछे कंटेनर है, पीछे कंटेनर को पूरा स्कैन कर लेगा पूरा। ये बहुत हाईटेक मशीन है, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप लोग। सब गाड़ी को रोकिए, कितना भी बड़ा या छोटा गाड़ी क्यों ना हो, सबको रोकिए, सबको रोकते हैं। हाँ, लेकिन समस्या क्या है कि सबको रोकने के बावजूद भी जो है शराब हुआ तो घुसिए जा रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए कैसे, अरे गाना बंद कीजिए, देखिए कैसे स्कैन होता है, ये पता चल जाएगा कि इसमें जो है शराब है कि नहीं है। देखिए मशीन स्कैन कर रहा है पूरा, देखिए ये पूरा स्कैनर है, और ये विदेश की टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पे आया है, और पूरा स्कैन इसमें नहीं है क्या शराब? हाँ, इसमें शो हो जाता है, रहता है तो ठीक है, चेक कीजिए, अच्छा बात है, बहुत बढ़िया। देखिए शराब कैसे चेक होता है मशीन से, ट्रक में शराब है कि नहीं है कैसे चेक कर लेता है मशीन, इसमें नहीं है, चलिए जाइए। हाँ, एक चेक हो गया, आपका चेक हो गया, इनका थोड़ा चेक कीजिए तो, इनका ये ट्रक वाले भाई साहब का, इनका थोड़ा सा चेक कीजिए तो, इसमें शराब है कि नहीं है। जय हिंद जय हिंद। हाँ, देखिए कैसे मशीन से शराब चेक होता है, देख लीजिए, ये हरे मशीन है, इस मशीन का नाम क्या है? हाँ, स्कैनर मशीन है, चलिए। बॉर्डर टाइप पे है कुछ बॉडी में, तो यहाँ पे गैपिंग दिखा रहा है। ओ, देखिए कैसे चेक होता है। हालांकि अब बताइए यहाँ पे जो है एक मशीन एक आदमी कैसे चेक करेगा रात में, इसीलिए तो बहुत लंबा लंबा जाम भी लग जाता है। यहाँ पे तो और भी हाईटेक मशीन और भी मशीन की ज़रूरत है, और उस मशीन से जब चेक किया जाएगा तब जाके जो है, नहीं है ना सर? आप नहीं है ना, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए आप लोग ऐसे ही ईमानदारी पूर्वक काम करते रहिए, ठीक है, और हर किसी का गाड़ी चेक कीजिए, मशीन से चेक कीजिए, ठीक है, और चलिए बिहार को जो है सब लोग मिलके जो है बदलते हैं। और देखिए मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि शराब तो बिहार में बंद कर दिया, अब रेवेन्यू आना कम हो गया, और जो रेवेन्यू आना कम हो गया इसके वजह से डीजल पेट्रोल का दाम हाई कर दिया, जमीन का दाम जो है रजिस्ट्रेशन का दाम जो है वो बिहार में ऊंचा हो गया, और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का आरटीओ चार्ज जो होता है वो भी जो है वो हाई हो गया, जिसके वजह से जो है दिक्कत होता है बिहार के लोगों को, और बिहार का जितना भी मोटरसाइकिल ट्रक बस जीप जो भी है वो सारा जो है यूपी में चला जा रहा है डीजल भरवाने पेट्रोल भरवाने, तो ये भी कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और बिहार से तो ट्रक जा रहा है तो वो शराब लेकर नहीं जाएगा, लेकिन अगर बाहर से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, तो उसका जो है जांच यहाँ पे होता है, और इस वजह से ज़्यादातर पुलिस वाले तो शराब के पीछे भागते रहते हैं,
इसलिए बिहार में अपराध का ग्राफ जो है ना वो एकदम हवाई जहाज से भी ऊंचा, फाइटर प्लेन से भी ऊंचा, हिमालय से भी ऊंचा जो है बढ़ते जा रहा है। तो अपराध के ग्राफ पे भी लगाम लगाने की जरूरत है और शराब बंदी पे जो है ना एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है। काहे शराब बंद करके जो है बिहार के राजस्व को जो है कहीं नहीं तो कहीं कम किया गया और उसके बदले जो है पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया, उसके बदले जो है जमीन के रजिस्ट्रेशन का दाम बढ़ा दिया गया, रजिस्ट्री जिसको बोलते हैं, और उसके बदले जो है गाड़ी का RTO चार्ज बढ़ा दिया गया, उसके बदले जो है बिहार में बहुत सारे चीज़ों का दाम बढ़ गया। तो मैं विनती करना चाहता हूँ कि एक बार पुनर्विचार किया जाए और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिहार में रोजगार देने के लिए कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट में 1,00,000 नया वैकेंसी जल्द से जल्द लाया जाए। मैं जेल जाने से पहले से ये आवाज़ उठाते रहा हूँ और मैं लगातार आवाज़ उठाते रहूँगा, क्योंकि बिहार में अगर 1,00,000 पे पुलिस वालों की तुलना किया जाए तो पूरे देश में सबसे कम है, लगभग सबसे कम है। तो जल्द से जल्द बिहार में पुलिस डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी आए और ये जो मशीन है, जो स्कैनिंग मशीन है जो शराब को स्कैन कर लेता है, वो और सारा मशीन जो है और सारा थाना में दिया जाए। और जो पुल पे जाम लगता है रात में शराब चेकिंग के दौरान, उस सब पे जो है नियंत्रण करने का प्रयास किया जाए। बाकी शराब चेकिंग आप लोगों को कैसा लगा, शराबबंदी बिहार में सफल है कि नहीं है, इस पर जो है पुनर्विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। UP बिहार के बॉर्डर से मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।